हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल कुक विद जोया। दोस्तों, आज जो स्नैक्स हम बनाने वाले हैं, आप देख सकते हैं, गैस कर सकते हैं आप कि क्या है ये। चलिए, आज स्टार्टिंग में इसका नाम हम नहीं बताते, जो जो वीडियो देख रहे हैं, चलिए फटाफट वीडियो पूरी देखने से पहले मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो ये जो स्नैक्स है दोस्तों, रमज़ान के लिए मैंने खास बनाई हुई है इफ्तार के लिए। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट सा डिश है, बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत इजीली बनता है ये, और बच्चे देखकर ही खुश हो जाते हैं। इसका लुक इतना प्यारा आता है दोस्तों, गैस के सामने आप कोई मेहमान आया सर्व कीजिएगा तो लोग गैस देखते रह जाएंगे कि है क्या ये, कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो चलिए, इसको बनाने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। एक ऑनियन लिया है मैंने, कट करके बारीक कट कर लिया ऑनियन। एक हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है। इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, 3 टेबलस्पून इसमें मैदा है। इसमें गार्लिक सॉरी क्यूमिन पाउडर है एंड कोरिएंडर पाउडर, जीरा और धनिया का पाउडर, मिर्ची पाउडर, और ये इसमें है सिवैया। तो ये सारे, और इसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें बटाटे में ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हम बटाटे को पहले मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद एक एक करके ऐड करेंगे। बटाटा हमारा मैश हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर, धनिया और जीरे का पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है। इसमें एक और चीज़ हमें डालना है, वो है ब्लैक पेपर पाउडर। अब दोस्तों इसे हमें अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हमें मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लावर और दोस्तों, हमने जो मैदा और कॉर्नफ्लावर का लिया था उसका एक बैटर बनाना है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और उसको धीरे धीरे पानी डाल के एक बैटर रेडी करेंगे। तो चलिए बैटर, तो देखिए हमारा बैटर तैयार है। अब हम जल्दी से फटाफट से तैयार करेंगे। चलिए, ये अब हम बनाते हैं बर्ड नेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाथ में ले लेंगे लेकर, हाथ को साफ करके धो लेना है हमें, और इसको राउंड शेप में इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से हमें बना लेना है। तो इस तरीके से हम बाकी के सब बना लेते हैं। हमें अब मुझे इसे मैदे में डिप करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये डिप कर लिया हमने। करने के बाद इसे सेव पे इस तरीके से लपेट लेना है। तो हमने सारे कटलेट्स को बना लिया है, बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हमें सैलो फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई नहीं कर सकते, सैलो फ्राई इसको लपेट लेना है। तो अब इसे एक एक करके हम सैलो फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करना है हमें, क्योंकि डीप फ्राई में क्या है, इसके ऊपर जो लगे हुए सेव है वो सारे निकल जाएंगे। तो हम आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं दोस्तों, बट ज़रूरत नहीं है, आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हीट तेल नहीं लेना है हमें, गर्म नॉर्मल टेम्परेचर का जो तेल रहता है, नॉर्मल हीट रहेगा, और उस पर हम पलट पलट कर सैलो फ्राई करेंगे। तो हमने सारे कटलेट डाल दिए हैं, इसमें तेल में रख दिया है। अब इस पर एक तरफ से पक जाए अच्छे से, थोड़ा सा ब्राउननेस हो जाए, तो दूसरी साइड से पलट कर हम पकाएंगे। तो चलिए पकाते हैं। तो अब धीरे से हम पलट लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं, हाँ, हल्का हल्का ब्राउननेस आ चुका है एक साइड में, अच्छे से थोड़ा सा हल्का लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो हम पलट पलट कर दूसरी साइड पे पका लेंगे। ठीक है, तो उसको स्लोली धीरे धीरे पलटने दोस्तों। ज़रा सा भी मतलब वो हो गया तो ये टूट सकता है, तो उससे बचना है हमें, और स्लोली से धीरे धीरे इसे पलटना है। तो हम धीरे धीरे इसको पलट लेते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से पक चुका है हमारा, हमने पलट कर देख लिया है दोस्तों। अच्छा, बहुत प्यारा सा कलर आया है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों तैयार है हमारा बर्ड नेस्ट यानी कि चिड़िया का घोंसला। देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है दोस्तों। इसके अंदर जो आपको एग जैसा दिख रहा है ये पनीर का बन सकता है, पनीर से बना सकते हैं आप लोग। पनीर का जो दूध फट जाए तो उसके जो मलाई निकलती है उसको थोड़ा सा हाथ से मसल कर पनीर से हम इस पर स्टफिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब इसका लुक कितना प्यारा आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप चाहे तो बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं और अच्छा लगे और आपका दिल करे तो दिल से एक लाइक और शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। और एक और रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों, जाते जाते मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, करते हुए जाना। और इसके लिए थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखा है। बस इसी तरह से आप लोग मेरे हौसला बढ़ाते रहिए और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है।